अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको होममेड नान बनाना बताऊंगी, वो भी 4 टाइप के, तंदूरी, कीमे वाले, आलू वाले और चीनी वाले। मुझे आज ये नान बनाते हुए अपने अम्मी अबू बहुत ज़्यादा याद आ रहे थे, क्योंकि वो माशाल्लाह एवरी समर मुझे विज़िट करते थे और इस साल वो कोरोना की वजह से नहीं आ सके। वालदैन के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी चाहिए। चलिए अब डो बनाना स्टार्ट करते हैं। डो वही सेम तरीका है जैसे हम पिज़्ज़ा डो बनाते हैं। इसमें मैंने सॉल्ट जो है 1 टीस्पून ऐड किया है और योगर्ट एक्स्ट्रा ऐड किया है 2 टेबलस्पून, और इसमें मैंने बटर 2 टेबलस्पून ऐड किया है, और बटर के साथ मैंने ऑयल इसमें सिर्फ 1 टेबलस्पून ऐड किया है। 1 कप वार्म वाटर लिया था मैंने, और उसमें मैंने 2 टीस्पून जीस्ट डाला था और 1/2 टीस्पून शुगर ऐड की थी, और वो मैंने सबसे पहले इसमें ऐड कर दिया था। डो तैयार हो चुकी है। आप इस डो से बहुत सारे टाइप के फ्लेवर्स बना सकते हैं, जैसे कि गार्लिक वाला नान बना सकते हैं, तंदूरी नान, चिकन वाला नान आप बना सकते हैं, शुगर नान बना सकते हैं, आलू वाला नान बना सकते हैं, कीमे वाला नान बना सकते हैं। आलू बॉयल हो चुके हैं और अब मैं इनको मैश करूंगी और फिर इसमें सारे स्पाइस डाल दूंगी, जैसे मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें, हरा धनिया, हरी प्याज, और इसके अलावा ज़ीरा और जो है कोरिएंडर पाउडर और ब्लैक पेपर, रेड चिल्ली और सॉल्ट, ये सब चीज़ें ऐड की थी, और चाट मसाला ऐड किया था। और फिर इसको अच्छे से सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे। और जब मैं आज से 17 ईयर्स अगो कनाडा आई थी, तो मुझे ये नान बनाने नहीं आते थे, क्योंकि मुझे पाकिस्तान में कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी बनाने की, क्योंकि हमेशा हम तंदूर से जो भी घर के पास होते थे ना, आपको पता है एवरीवेयर अवेलेबल होते हैं, वहाँ पर हर तरह के नान मिल जाते हैं। तो जब मैं कनाडा आई तो फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ से ये बनाने सीखे थे, और वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा कुकिंग का शौक़ है, वो नई नई चीज़ें ट्राई करती रहती हैं, और मैंने ये रेसिपी उन्हीं से ली थी और उन्होंने मुझे ये सिखाए थे, और ये बहुत बहुत अच्छे, बहुत मज़े के बनते हैं। अल्लाह ताला मेरी जो मदर इन लॉ हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती दें और उनका जो है साया हमारे सर पर सलामत रखें। माशाल्लाह से वो मेरी बहुत अच्छी टीचर हैं, मैंने उनसे और अपनी अम्मी दोनों से बहुत अच्छी कुकिंग सीखी है। जी तो अब मैं जो है इसका अब पेड़ा बनाने लगी हूँ। मैं थोड़े आलूओं की फिलिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो जब ज़्यादा फिलिंग हो तो थोड़ा सा मुझे ना इसको रैप करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। जी मुझे जिस तरह मेरी खाला ने सिखाया था, एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ मेरी खाला हैं, और मुझे वो थोड़ा हार्ड लग रहा था। आप लोगों का जो अपना वे है, आप उस तरीके से भी इसको रैप कर सकते हैं। कोशिश करें कि इस तरीके से अंदर फिलिंग को करके डो को रैप करें कि डो आपकी फटे ना। अगर फटकर फिलिंग बाहर आएगी ना, तो फिर बेलने में थोड़ा मसला होगा, थोड़ा वो चिपकेगा मसाला सारा आपके जो काउंटर पे ना। अभी मैंने बटर गरम किया था और उसके अंदर मैंने योगर्ट ऐड किया था 1 टेबल स्पून, और अब उसको दोनों को मिक्स करके तो मैं टॉप कोट लगा रही हूँ उसके ऊपर, नान के ऊपर, ताकि जब बेक करो तो ऊपर से टॉप जो है उसका सॉफ्ट रहे। बहुत बहुत मज़े के बने, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वैसे तो मुझे लगता है कि सब लोग बहुत माशाल्लाह से अच्छे शेफ़ हैं, हर कोई अपने घर में बहुत अच्छे से खाना बनाता है। मैं सिर्फ आप लोगों के साथ अपने सिंपल वेज जो है ना वो शेयर करती हूँ, जो मैं डेली बेसिस पे खाना बनाती हूँ। मैं ना कोई बहुत बड़ी शेफ़ हूँ, ना कोई मैं बहुत आला किस्म के खाने बनाती हूँ, बस मुझे जो छोटी छोटी चीज़ों में ट्रिक्स आते हैं, जैसे मैं शादी के बाद नई नई आई थी जब, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी। ये सिर्फ उन नई न्यू कमर्स के लिए है कि जो मतलब जिन्होंने कभी पहले कुकिंग नहीं की है, और अभी उनको छोटे छोटे इजी वे और इजी कुकिंग के तरीके हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी मैं आपको सारा ओवरव्यू दे रही हूँ इसका, सारा टोटल के मैंने कैसे नान बनाना शुरू किया था, और मैंने जो इसके अंदर अभी कर रही हूँ ये चॉपस्टिक के साथ कर रही हूँ, और उसके बाद जो है इसके ऊपर मैंने सारा वो अप्लाई कर दिया है जो सर्विस वाले हैं सीड्स हैं वाइट तेल, और इसके अलावा बटर लगाया था इसकी टॉप पे मैंने, और फिर मैंने इसको पैन में पहले इसकी एक साइड कुक की है, ये इस तरह से पैन में है, और इसके बाद मैंने इसको ओवन में ब्रॉयल किया था, टॉप वाला बर्नर ऑन किया था, विद इन 2 मिनट ये रेडी हो जाता है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा, कितनी अच्छी लुक आ गई है नान की, और आपको जो भी तरीका सही लगे आप अपने तरीके से इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा।
जी, तो आलू वाले नान तो हो गए तैयार। अब सेम डो के साथ आप प्लेन नान बना सकते हैं। इसके ऊपर कलौंजी तिल लगा के आपका प्लेन नान बन जाएगा। अब हम आते हैं कीमे वाले नान की तरफ। मैंने चिकन का जो कीमा था वो मैंने फ्रीज़ किया हुआ था भूनकर, वो भुना हुआ कीमा मैंने निकाला है, डिफ्रॉस्ट किया है। अब उसको दोबारा से मैंने थोड़े थोड़े जैसे उसमें ब्लैक पेपर और ज़ीरा और धनिया पाउडर डाल के और हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के उसको दोबारा से थोड़ा सा भून लिया है। और जब मेरा अब दोबारा से रेडी हो गया और मैंने जो है अब ये कीमा जो है इसी तरह से आलू की तरह नान के अंदर कीमे की फिलिंग कर देनी है। और कीमे वाले भी बहुत मज़े के बनते हैं। और अगर आप चाहें तो जैसे बहुत सारे डिफरेंट समोसे बनाते हैं चिकन वाले फिलिंग वाले, आप खाली चिकन वाला भी कर सकते हैं, चिकन भी फिल कर सकते हैं अंदर, जैसे आपके बच्चों को या घर में जिसको भी जो भी टेस्ट पसंद है आप उस हिसाब से ये वाले नान बना सकते हैं। जी, तो जितनी देर में नान बनता है तो हम अपनी इस बात की तरफ आते हैं कि जो मैंने आज हदीस रखी थी वालदैन के ऊपर। तो जैसा कि मैं बहुत दूर हूँ, मेरे बाकी दो बहन भाई भी दूर हैं अपने अबू से, तो मुझे कभी कभी ये बहुत फील होता है कि यह हमारी बदकिस्मती है कि हम अपने माँ बाप से दूर हैं, उनकी उस तरह से खिदमत नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह कि मैंने बताया कि वो हर साल मुझे विज़िट करते हैं, अपनी समर आते हैं, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ अपनी अम्मी अबू को बहुत सारा टाइम दूँ, उनका ख्याल रखूँ, उनसे बातें करूँ, उनकी खिदमत करूँ। तो आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग तो बिल्कुल पास रहते हैं उनको जितनी जल्दी जाकर विज़िट कर सकते हैं, या जो साथ रहते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, जो बहुत दूर हैं वो उनको फ़ोन पे टाइम दें, फ़ोन पे उनके साथ बात करें। और जो है आपको पता है कि जो माँ बाप होते हैं वो बिल्कुल उन फूलों की तरह हैं, अगर इनको हम तवज्जो और प्यार नहीं देंगे तो ये मुरझा जाते हैं। जिस तरह हमारे माँ बाप ने हमें बचपन में इतने प्यार मोहब्बत तवज्जो से पाला है, और अब बुढ़ापे में हमें भी उनको उतने ही प्यार और तवज्जो के साथ उनकी केयर करनी है, तवज्जो दे करनी है, उनकी उनकी खिदमत करनी है, उनका ख्याल रखना है। और जैसा कि अपने माँ बाप का तो करना ही है, प्लीज़ आप लोग अपने हस्बैंड्स के पेरेंट्स के साथ अपने हस्बैंड की माँ की उतनी खिदमत करें, क्योंकि जो अम्मी होती है ना, जो सबकी अम्मियाँ, वो बहुत बड़े दिल की मालिक होती है, वो हमसे कुछ नहीं चाहती, हमें दुआएँ ही देती हैं। और जो शौहर की अम्मी होती है ना, मुझे लगता है उनका दिल बहुत बहुत बड़ा है, जो सास होती हैं वो इस तरह से। आई डोंट नो कि आप लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जो सास होती है ना, वो अपना बेटा पाल पोस के पढ़ा लिखा के जवान करके एक बहू को दे देती हैं, और इससे ज़्यादा वो क्या करें। और उनका, और हालांकि उस बेटे का माँ पे बहुत हक है, तो प्लीज़ अपने शौहर को कहा करें कि वो जो है अपनी अम्मी को टाइम दें, उनका जो है ना उनसे बातें करें, उनका ख्याल रखें, उनको कभी मना ना करें। जी, तो बातें तो होती हैं बहुत, अब हम आ जाते हैं चीनी वाले नान से। आपने देखा कि मैंने जो पेड़ा लिया था उसके अंदर मैंने जो है चीनी ऐड की थी, फिर उसको फिल करके बंद करके, तो उसके ऊपर सेम उसी वे से बटर और मिल्क लगा के तिल लगा दिए, और फिर उसको कोई दो मिनट के लिए बेक करना था। लेकिन मैंने इसके टॉप पे भी स्प्रिंकल की थी, जैसे तिल लगाते हैं ना उसी तरह मैंने इसके टॉप पे शुगर भी थोड़ी ऐड की थी। इतना अच्छा, इतना मज़े का मीठा नान बनता है, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट नान है, और मैं इसको चाय के साथ खाती हूँ, मुझे बहुत बहुत मज़ा आता है खा के। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जब कुक हुआ, कुक होने के बाद जब मैंने इसकी वाइट तोड़ी है, तो आप देख सकते हैं कि अंदर से कितना अच्छे से दो हिस्सों में है, पूरा ओपन हो रहा है, और साइड जो है वो पूरा उसका सीरप है शुगर का वो नज़र आ रहा है। ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये सारी तरीके और मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, और मेरी बातें भी आप लोगों को पसंद आई होंगी। फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, और अपने माँ बाप का बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि मैं अपने अम्मी अब्बू के साथ बेहद मोहब्बत करती हूँ, बेहद इतनी कि जब वो यहाँ से जाते हैं, उनके जाने से दो वीक पहले मेरा खाना पीना छूट जाता है, मुझसे नहीं खाया जाता। तो प्लीज़ अपने माँ बाप की बहुत बहुत कदर करें, उनसे मोहब्बत करें। अल्लाह
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह करे सब खैरियत से हों जी। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है चिकन 65, और मैं आपके साथ आज दो रेसिपीज़ शेयर करूँगी जी। फर्स्ट रेसिपी जो है वो रेस्टोरेंट स्टाइल है, और जो सेकंड रेसिपी है वो मेरे अपने ओन स्टाइल से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, तंदूरी मसाला 2 टेबलस्पून, हरी चरगा मसाला 1 टेबलस्पून। अब इसको मिक्स कर लेंगे। और जो चिकन है वो मैंने बोनलेस 3 पाउंड लिया है। इसमें मैंने लेमन जूस 2 टेबलस्पून डाला है। आप इसमें सिरका भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो 1 से 2 चम्मच जो है वो सिरका ऐड कर लें। और ये सारा मिक्सचर जो है योगर्ट वाला, इसको अच्छे से मिक्स करके जो हमने चिकन लिया था उसमें हम ऐड करके, तो इसे हाफ मिक्सचर हम इसमें ऐड करेंगे और हाफ हम मसाले के लिए रख लेंगे। मेरे पास 1 एग था जिसमें से मैंने हाफ ऐड किया है। 2 टेबलस्पून इसमें मैंने कॉर्न स्टार्च ऐड किया है, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑल पर्पज़ फ्लावर जो मैदा होता है वो ऐड किया है जी। इसको अच्छे से मिक्स करके तो जो है 30 मिनट के लिए मैं इसको रैप करके चिकन को फ्रिज में रख दूँगी मैरिनेशन के लिए। आफ्टर 30 मिनट जो है फिर इसको निकाल के हम फ्राई करेंगे। अब एक हम पैन लेंगे, उसमें ऑयल ऐड करेंगे 30 ml, और इसमें हम जो है गार्लिक और जो जिंजर है उसका पेस्ट डाल देंगे, और इसको हम फ्राई करेंगे, कुक करेंगे अंटिल 2 मिनट्स। और जब ऑयल हमारा सेपरेट हो जाए और मसाला तैयार हो जाएगा तो इसमें फिर हम थोड़े थोड़े सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जैसे 1 टीस्पून चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट एंड पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर, हल्दी जो होती है वो, और 1 टीस्पून तंदूरी मसाला, और 15 लीफ हम कड़ी पत्ता के डालेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो कड़ी पत्ते हमारे घर में ड्राई वाले आते हैं वो बिल्कुल भी वो रिज़ल्ट और वो स्मेल नहीं देते हैं, और हमें इसके लिए फ्रेश लीफ ही चाहिए। और इसमें मैंने 2 ग्रीन जो हैं हरी मिर्चें वो काट के डाली हैं, और ट्राई करें कि आप फ्रेश लीफ ही मंगाएं। और जो मेरा हाफ बचा हुआ था योगर्ट मसाला वो मैंने अब इस मसाले में ऐड कर दिया, और मैं इसको 5 मिनट तक अच्छे से कुक करूँगी ताकि जो योगर्ट और ऑयल है वो सेपरेट हो जाए, अच्छे से कुक हो जाए। तो ऑलमोस्ट अब मेरा मसाला जो है वो तैयार हो गया है, और अब आप देख सकते हैं कि इसका जो है रंग अच्छा निकला है। और अब मैंने इसके अंदर और अच्छा कलर करने के लिए रेड फूड कलर ऐड कर दिया है जी। अब इस मसाले को 1 से 2 मिनट कुक करने के बाद ये मुकम्मल रेडी है, तैयार है। अब हम एक और पैन लेंगे और उसमें ऑयल ऐड करेंगे फॉर चिकन को फ्राई करने के लिए, क्योंकि 30 मिनट हो चुके हैं। और अब हम जो है ऑयल को मीडियम हीट पर रखेंगे, और फिर इसमें जो है चिकन ऐड कर देंगे, और आप इस चिकन को तकरीबन 10 से 15 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि ये फुली कुक हो जाए। मुझे बहुत लोगों ने ये फरमाइश की थी कि चिकन 65 की रेसिपी जल्दी से बना दो, तो मैंने 1 महीने से ये बना के रखी हुई है, पर मेरे पास टाइम ही नहीं हो पा रहा था कि इसको मैं एडिट करूं और ना अपलोड कर दूं जी। वैसे तो ये जो चिकन 65 है मैंने ये ड्यूरिंग COVID-19 एक दिन स्किप द डिशेज ऑर्डर किया था, तो बच्चों को बहुत बहुत पसंद आया था, उन्होंने इस स्टाइल से कुछ बनाया हुआ था, क्योंकि मुझे रेसिपी का एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है, लेकिन देखने में पता चल रहा था कि चिकन फ्राई करके एक मसाले में ऐड किया हुआ है, और इसका जो असल टेस्ट है वो कड़ी पत्ता ही है। जो कड़ी पत्ते का फ्लेवर है ना वो बहुत डिफरेंट आता है, और ट्राई करें कि फ्रेश कड़ी पत्ता हो आपके पास। और अगर आपको बाज़ार से मिलते हैं तो मैंने तो ये फ्रीज़ किए हुए हैं, जब मुझे ज़रूरत पड़ती है, जब भी मैं कुक करती हूँ तो मैं ये फ्रीज़र से निकाल के कड़ी पत्ता डाल देती हूँ। मेरी फैमिली का फेवरेट चिकन 65 है जी। तो जिस तरह मेरी फैमिली का ये फेवरेट है, अल्लाह करे कि आप लोगों की फैमिली को भी ये बहुत पसंद है। ये तो पहली रेसिपी थी जो रेस्टोरेंट स्टाइल है फ्राई करके चिकन, लेकिन जो मैंने खुद की ईजाद की है, नेक्स्ट रेसिपी अभी इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, वो इससे कहीं ज़्यादा इजी और लेस टाइम में बनेगी, और आप ट्रायल सेकेंड वाली कीजिएगा जी। तो ये हैदराबादी चिकन 65 तैयार है, और अब मैं इसको वाइट चावल के साथ खाने लगी हूँ, लेकिन ये नान और पराठे के साथ बहुत मज़े का लगता है
जी तो नाउ अब टाइम आ गया है सेकंड रेसिपी का, मेरे स्टाइल का चिकन 65 जो कि मैं अब तैयार करने जा रही हूँ। इसमें सेम मेथड है, अब सेम स्टाइल है, रेड चिली पाउडर डालना है, कोरिएंडर पाउडर डालना है, तंदूरी चिकन, तंदूरी मसाला पाउडर 2 टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें, और लाहौरी चरगा मसाला डालेंगे हम इसमें, सॉल्ट 1 टीस्पून डालेंगे, लेमन 1 लेमन का जूस डालेंगे हम इसके अंदर, और 3 टेबलस्पून हम इसमें विनेगर डालेंगे। अगर आप लोग ज़्यादा सावर चाहते हैं तो आप इसमें 2 लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, और अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें विनेगर भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। ये थोड़ा स्पाइसी एंड जो है ना वो बनता है बच्चों के लिए, मेरे बच्चे तो खैर बहुत पसंद करते हैं। इसमें मैंने पिछली रेसिपी में कॉर्नफ्लावर डाला था, इसमें मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून जो है वो ऑल पर्पज़ मैदा डाला है, और स्ट्रेट मैंने चिकन कट किया बोनलेस 3 पाउंड, मैंने डायरेक्ट उसको एक फ्राइंग पैन में डाल दिया है, और इसको कोई मैरिनेशन करके मैंने फ्रिज में या बाहर कहीं भी मैंने इसको 30 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा, और डायरेक्ट इसमें मैंने हाफ जो है योगर्ट मसाला ऐड कर दिया, और इसको मैं 30 मिनट से 40 मिनट तक कुक करूँगी, डिपेंडिंग ऑन कि चिकन कितनी देर में आपका फुली कुक हो जाता है। और एक सेपरेट पैन के अंदर मैं लूँगी ऑयल और 30 ml, और उसमें वही जो हाफ मिक्सचर था मेरा योगर्ट वाला वो मैं ऐड करके कुक करूँगी अनटिल तब तक जब तक मेरा मसाला जो है और ऑयल जो है वो अलहदा से ना हो जाए और फुली कुक नज़र आने लग जाए। उसी स्टाइल से फिर मैं इसके अंदर जो है थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा स्पाइस ऐड कर दूंगी, जिस तरह सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, तंदूरी मसाला, लाहौरी चरगा मसाला, ये सब डाल के तो मैं अच्छे से इस मसाले को कुक कर लूँगी। चिकन भी मेरा रेडी हो चुका है, और अब रेड फूड कलर डाल देंगे। फूड कलर से थोड़ी इसकी लुक जो है वो रेस्टोरेंट स्टाइल आती है, और मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। कभी कभी मैं फूड कलर नहीं ऐड करती तो वो कहते हैं कि आपने क्यों नहीं डाला। तो जब ये 2 मिनट कुक हो जाएगा तो इसमें 15 से 20 हम फ्रेश कड़ी लीव डालेंगे। आप कोशिश करें कि जो है वो फ्रेश वाले ही पत्ते इसमें ऐड करें, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इस पूरी रेसिपी का मेन रोल जो है, मेन पार्ट जो है वो कड़ी पत्ता है, और वो भी फ्रेश वाला। तो जी अब जो है चिकन मेरा फुली तैयार है, मैं अब इसको इस मसाले में ऐड कर दूँगी। अभी आपने देखा होगा जो मेरी लास्ट रेसिपी है, स्पाइसेस ऑलमोस्ट सारे सेम है, तरीका सारा सेम है, लेकिन ये कि चिकन को मैरिनेशन किया था 1/2 आवर के लिए और फ्राई किया था। इस रेसिपी में ना मैंने मैरिनेशन की है ना मैंने इसको जो है फ्राई किया है, एज़ इट कर दिया। एक तो उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है पहली रेसिपी में, दूसरा ऑयल भी वेस्ट होता है, और चिकन थोड़ा हैवी हो जाता है। तो मेरी फैमिली सब जो हैं, हस्बैंड भी और बच्चे भी और पर्सनली मैं ख़ुद भी, मैं यही अपने वाले स्टाइल से ही जो है ना सेकंड रेसिपी ही ज़्यादा लाइक करती हूँ। मेरे भाई और भाभी आए थे, उनको मैंने ये नाश्ते में बनाया था, उन लोगों ने इसको पराठे के साथ खाया था तो उनको बहुत बहुत पसंद आया था, भाभी और भाई ने भी बहुत तारीफ़ की थी। अल्लाह करे कि आप सब लोगों को भी मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आए, और आप एक दफ़ा जो है सेकंड रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे पाकिस्तान से मेरी कज़न्स और मेरी फ्रेंड्स और मेरी छोटी बहन और मेरी अम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा कहा हुआ था कि प्लीज़ बना दो, हमने तुम्हारी रेसिपी के साथ ही ये अपना ट्राई करना है, फ़र्स्ट टाइम ऐसे नहीं बनाना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज अम्मी और मेरी छोटी बहन ज़रूर मेरी ये रेसिपी जो है वो ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल लाहौरी चने बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही झटपट रेसिपी है, विद इन 25 मिनट आपका नाश्ता बिल्कुल तैयार हो जाएगा। रात में चने हमें पूड़ियों के साथ बनानी है, और जो मैं आज आपको पूड़ियाँ दिखा रही हूँ ये पूड़ियाँ हैं जो फ्रिज में मेरा आटा गूंथा था, उसी आटे के साथ बनाना है। और आज जैसे वीकेंड था तो बच्चों ने सुबह सुबह से मैश करती थी चने पूड़ियाँ खाने, तो कभी आपके साथ ऐसा हो तो आप विद इन 25 मिनट ये नाश्ता तैयार कर सकते हैं। जो रेगुलर आटा गूंथा था उसकी मैंने पूड़ियाँ बनाई और ये चने तैयार किए। मैंने यहाँ पे एक मीडियम जो है प्याज लिया है, और जो है आप समझें 125 ml के अराउंड मैंने ऑयल लिया है, और इस टाइम जो है इसमें मैंने गरम पैन में मैंने ऑयल और उसके बाद इसमें प्याज ऐड कर लिया। इसको बराबर हिलाते जाना है, आप इतना इनको प्याज को पकाएंगे कि जो है वो ऑयल छोड़ दे। जब प्याज फ्राई हो जाए तो इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट डालेंगे, और 1 टीस्पून ही इसके अंदर रेड चिली डालेंगे।
1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ही कोरिएंडर पाउडर ऐड करें, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर इसमें ऐड करेंगे, काली मिर्च, और इसके अंदर 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे और 1 सिनेमन स्टिक डालेंगे और 6 इसके अंदर लौंग डाल देंगे और एक बड़ी वाली जो ब्लैक इलायची होती है वो डालेंगे और 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे और इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। फिर इन सबको अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स करके इसको पकाएंगे और इतना पकाएंगे कि आप इसको भूनते जाएंगे मसाले को और थोड़ा थोड़ा इसमें पानी भी ऐड करते जाएंगे। जब आपको पूरा मुकम्मल लगे कि आपका प्याज अच्छे से मिक्स हो चुका हुआ है, अच्छे से कुक हो गया हुआ, अकेला अकेला प्याज नज़र नहीं आ रहा है, तो समझें आपका मसाला बिल्कुल रेडी हो गया। अभी आप देखते जाएं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा दिखाती जाती हूँ। ये बहुत सिंपल आसान तरीका है चने बनाने का और सब इस टेस्ट को इतना पसंद करते हैं, मेरी फ्रेंड्स भी और फैमिली भी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को भी बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा। मैं तो बाज़ार के मुझे बिल्कुल अब अच्छे नहीं लगते जब से मैं ये चने बना रही हूँ। अब देखें, मैंने पानी भी डाल दिया मसाले में, अच्छे से मसाला भूनते जाएं, हिलाते जाएं। साथ साथ ही मैंने तो थोड़ा हाई फ्लेम पे रखा हुआ है और बहुत झटपट ये तैयार हो जाता है। और अभी आप देखें, मसाला अच्छे से भुनता जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता उसका कलर भी निकलता आ रहा है, ऑयल भी जो है वो अलहदा होता जा रहा है प्याज से, जैसे ऑयल का रंग निकलना शुरू हो गया। तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मसाला हमारा आलमोस्ट रेडी होने वाला है। मैं अभी इसको 5 मिनट और कुक करूँगी और आप देखते जाएं, जैसे जैसे मैं इसको कुक करती जा रही हूँ उसका कलर चेंज होता जा रहा है और बहुत अच्छे से इस टाइम जो है मसाला भुन चुका हुआ है मेरा। अब रेडी है मसाला और चने में पहले से ही बॉयल कर चुकी थी और मैंने 2 कप चने लिए हैं तो जो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और जब मैं चने बॉयल कर रही थी तो मैंने उसमें भी 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला था। अब आलमोस्ट मेरा मसाला बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आया है और कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और ये मेरे चने हैं जो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। चने ऐड करने के बाद इसको मैंने सिर्फ 2-4 मिनट के लिए भूनना है और उसके बाद मैंने इसको जो है थोड़ा लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए मैंने रखा था। 15 मिनट के लिए आप इसको कुक कर लें, आपको जब लगे कि ये अच्छे से कुक हो गया है तो दूसरी तरफ वो जो मेरे 15 मिनट में ये चने होंगे, मैंने उतनी देर में जो मेरे फ्रिज में आटा था उसकी मैंने पूड़ियाँ तैयार कर ली थी, उतनी देर में मेरी पूड़ियाँ सारी बन गई, इधर से मेरे 15 मिनट में चने तैयार हो गए, तो विद इन 25 मिनट जो है मेरा नाश्ता रेडी था। देखिए मेरा टेबल जो है रेडी हो चुका है, 25 मिनट्स के अंदर झटपट वाला मेरा नाश्ता तैयार है। और मेरे बच्चे जो हैं उनको और मेरे हस्बैंड को इतने ज़्यादा पसंद हैं चने, इतने मज़े के लगते हैं। हो सकता है आप लोगों को मेरे चनों पे ऑयल कम लगे क्योंकि मेरे बच्चे और हस्बैंड बिल्कुल ऑयल लाइक नहीं करते ज़्यादा, तो मैंने ऊपर से ऐड भी नहीं किया। अगर आप लोग चाहते हैं कभी दावत है कोई आया है तो आप अलहदा से भी ऊपर एक ऑयल का मसाला बना के थोड़ी सी रेड मिर्च उसमें डाल के ना उसको भून के ऐड कर सकते हैं, या कुक करते वक्त थोड़ा ज़्यादा ऑयल डाल लें तो वो फिर थोड़ा ऊपर कलर आ जाता है ऑयल का। मैंने इसके ऊपर अंडे बॉयल करके लगा दिए थे और एक मेरे पास चिकन का मैंने सालन बनाया हुआ था तो मैंने साथ वो गरम करके रख लिया था। तो हम लोगों ने जो है बहुत इन्जॉय किया ये नाश्ता और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। और जो है इस चनों का एक और फ़ायदा भी है कि इसमें सिर्फ एक प्याज डलता है, ना कोई टमाटर, ना कोई लहसुन अदरक, नथिंग, और कोई हरी मिर्चें नहीं, कोई सब्ज़ धनिया नहीं, सिर्फ मैंने एक प्याज डाल के बाकी मसाले डाल के इसको तैयार किया है। दुआओं में याद रखिएगा और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।